आज से हो रही है उर्दू ग्रामर की शुरुआत, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया है हर बार, कमेंट बॉक्स में पूछा है कब होगा स्टार्ट। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अगले साल है आपका बोर्ड एग्ज़ाम। फाइनली स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि उर्दू ग्रामर स्टार्ट कीजिए, कब होगा उर्दू ग्रामर स्टार्ट, उर्दू ग्रामर कब स्टार्ट होगा, तो फाइनली आई एम बैक नाउ, वापस आ गई हूँ मैं उर्दू ग्रामर के साथ। आज से आप लोगों का 10th और 12th क्लास का उर्दू ग्रामर स्टार्ट हो रहा है और उर्दू ग्रामर के सभी टॉपिक को एकदम सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी। ये सीरीज़ आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये उर्दू ग्रामर का पार्ट वन है, इस तरह पार्ट टू पार्ट थ्री करके वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहेंगे और उर्दू ग्रामर का ऑल टॉपिक मैं आप लोगों को कवर करा दूंगी, कंप्लीट करा दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में उर्दू ग्रामर का एक भी क्वेश्चन आप छोड़ करना है, सभी क्वेश्चन को बना कराए एकदम सही सही, तो इस उर्दू ग्रामर के सीरीज़ के प्रत्येक वीडियो को देखना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल टॉपिक कवर कराया जाएगा, ठीक है ना। सिलसिलेवार तरीके से पूरे एनर्जी के साथ ज़बरदस्त क्लास चलेगी और ऑल टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा उर्दू ग्रामर की, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर अगर आप लोग नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, आप लोग तुरंत देख सकें, ठीक है। ये उर्दू ग्रामर का वीडियो जो है ना 2-3 दिन अब्सेंट करके आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि साथ में कंटेंट भी तो लेकर चलना है। 10th और 12th क्लास का बुक उर्दू का जो है वो भी कंप्लीट कराना है, तो साथ में कंटेंट रहेगा और 2-3 दिन अब्सेंट करके आप लोगों को उर्दू ग्रामर का वीडियो मिलेगा और उर्दू ग्रामर का एक नया प्लेलिस्ट भी बन जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। उर्दू ग्रामर फॉर 2023-24 सेशन, मतलब उर्दू ग्रामर न्यू सेशन 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बन जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक और ज़रूरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, हो सकता है कि शायद अभी आपको इसकी ज़रूरत ना हो लेकिन आगे चलकर आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर हो सकता है कि आप अभी से ही इंटरेस्ट रखते हो। बात यह है कि उर्दू ग्रामर को अगर आप लोग डीपली पढ़ना चाहते हैं एकदम ज़ीरो लेवल से, आप उर्दू ग्रामर कुछ भी नहीं जानते, उर्दू ग्रामर में क्या होता है उर्दू ग्रामर कुछ भी नहीं जानते हैं और एकदम स्टार्टिंग से ज़ीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, उर्दू भाषा से भाषागत होना चाहते हैं, उर्दू ग्रामर में मास्टरमाइंड बनना चाहते हैं ना, एकदम ज़ीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुँचना चाहते हैं, ज़ीरो टू हीरो बनना चाहते हैं उर्दू ग्रामर के मामले में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमारा नया चैनल क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी, जो कि इसी चैनल के चैनल वाले सेक्शन में दिख जाएगा, या फिर अगर आप लोग सर्च करते हैं ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी तो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो वहाँ पर ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर एकदम ज़ीरो लेवल से जो व्यक्ति उर्दू ग्रामर में कुछ भी नहीं जानता है, एकदम ज़ीरो लेवल से उर्दू ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट की हूँ और ज़ीरो से हाई लेवल तक जाएगा, मतलब आप उर्दू ग्रामर में मास्टर माइंड बन सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं उर्दू ग्रामर को डीपली पढ़ना तो ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी से ज़रूर जुड़े, जाकर आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो आफ्टर मैट्रिक या फिर आफ्टर इंटर या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि मैट्रिक कर लेने के बाद या फिर इंटर कर लेने के बाद या फिर ग्रेजुएशन कर लेने के बाद इंट्रेंस की तैयारी करने लगते हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम की या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो अगर आप किसी भी तरह के इंट्रेंस और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो भी आप लोग ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी से ज़रूर जुड़े, क्योंकि चैनल का नाम ही है ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी, यानी कि उस चैनल पर सभी तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है, चाहे KVS हो गया, DSSSP हो गया, PRT, TGT, CTET, MPTET, UPTET, CUET हो गया, या फिर DLED हो गया, BED हो गया, सभी तरह के एंट्रेंस और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर करवाई जा रही है। तो आप लोग उस चैनल से ज़रूर जुड़े अगर इंट्रेंस और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ उर्दू सब्जेक्ट ही नहीं ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। लेकिन अगर आप 10th 12th में हैं तो यहाँ पर ज्ञापन एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है, यहाँ पर आज से स्टार्ट हो रहा है उर्दू ग्रामर, जो कि स्पेशली 10th और 12th के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया जा रहा है, मतलब उर्दू ग्रामर के उन सभी टॉपिक को पढ़ा दिया जाएगा जो कि 10th और 12th क्लास के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि स्टार्टिंग में ही 2-3 मिनट 3-4 मिनट खर्च हो जाता है मतलब बात ही करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट मैं स्टार्ट करती हूँ। उर्दू कवायद स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहला टॉपिक मैं आप लोग को वाहिद जमा ही पढ़ाऊँगी। आप लोग कहेंगे स्टार्टिंग में आप वाहिद और जमा क्यों पढ़ा रही हैं, तो देखिए स्टार्टिंग में मैं आप लोग को वाहिद जमा इसलिए पढ़ा रही हूँ ना, क्योंकि इस उर्दू ग्रामर की पूरी जर्नी में पूरे सफ़र में हर एक मोड़ पर आप लोगों को वाहिद जमा लफ्ज़ मिलेंगे, इसीलिए स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को वाहिद जमा पढ़ा दे रही हूँ। समझिए वाहिद हो सकता है कि वाहिद जमा को आप पहले से जानते हो लेकिन फिर भी आप सुनने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। वाहिद जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग एक वचन और इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर, उसी तरह है जमा, जमा को हिंदी में कहते हैं बहुवचन और इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल। अब सुनिए वाहिद
किसी भी एक चीज़ को, किसी भी एक सामान को वाहिद कहते हैं। जैसे कि एक मार्कर है तो वाहिद, एक वचन हिंदी में कहते हैं एक वचन, मतलब किसी भी एक चीज़ को एक वचन, इंग्लिश में सिंगुलर और उर्दू में वाहिद। तो एक मार्कर ये क्या है, वाहिद है। एक आँख तो वाहिद, एक हाथ तो वाहिद, एक किताब तो वाहिद, मतलब किसी भी एक चीज़ को वाहिद। और जमा यानी कि बहुवचन, एक से ज़्यादा सामान हो गया तो उसको कहते हैं जमा। जैसे कि एक मार्कर था तो वाहिद हो जा रहा था, लेकिन एक से ज़्यादा मार्कर हो गया, दो या फिर तीन हो गया, चार हो गया, फिर उससे ज़्यादा हो गया, तो एक से ज़्यादा सामान को, एक से ज़्यादा चीज़ को जमा कहते हैं। एक आँख था तो वाहिद, दो आँख हो गया तो जमा, बहुवचन। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इनफैक्ट यहाँ तक शायद आप लोग जानते होंगे। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हिंदी में तो एक वचन से बहुवचन बनाना आसान होता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मुसीबत, मुसीबत एक मुसीबत आई है यानी कि वाहिद है, मुसीबत क्या है, एक वचन। और हिंदी में एक वचन से बहुवचन बनाना आसान होता है। अगर मैं कहूँ मुसीबत का बहुवचन क्या होगा हिंदी में, तो आप लोग बता देंगे मुसीबतें, मतलब एक से ज़्यादा मुसीबत आई है तो मुसीबतें। लेकिन क्या उर्दू में मुसीबत का जमा बहुवचन मुसीबतें होगा? जी नहीं, मुसीबत हो गया क्या, मुसीबत हो गया वाहिद। ठीक है, ये वाहिद हो गया यानी कि एक वचन, लेकिन इसका जमा यानी कि प्लूरल जो होगा ना बहुवचन, वो मुसीबत ना होकर मुसाइब होगा। क्या होगा? मुसाइब। इसीलिए उर्दू टफ होता है ना। हिंदी में आप लोग मुसीबत का जमा यानी कि बहुवचन मुसीबतें बता दे रहे थे, लेकिन उर्दू में मुसीबत का जमा यानी कि प्लूरल मुसीबतें ना होकर मसायब होगा। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या लूँ, एक शब्द, कोई भी किताब हो गया। ठीक है, किताब हिंदी में तो किताब का आप लोग किताबें बना देंगे, एक किताब है तो वाहिद, और बहुवचन बनाना है किताब का हिंदी में तो किताबें आप लोग बना देंगे। लेकिन किताब का उर्दू में किताबें ना होकर कुतुब होता है, किताब का जमा क्या होगा, कुतुब। उसी तरह है फ़ायदा, फ़ायदा, एक फ़ायदा हुआ तो वाहिद, फ़ायदा क्या है, वाहिद यानी कि सिंगुलर। इसका प्लूरल यानी कि जमा बनाना है तो किस तरह होगा, फ़ायदा का होता है फ़वायद, क्या होता है, फ़वायद। तो फ़ायदा का फ़वायद। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, कायदा, कायदा का मतलब होता है कानून, रूल, नियम, रेगुलेशन वगैरह, तो नियम कानून को ही कायदा कहते हैं। तो कायदा वाहिद है यानी कि एक वचन है, इसका जमा क्या होगा, प्लूरल, कवायद, कवायद होगा। फ़ायदा का जमा यानी कि बहुवचन फवायद, कायदा का जमा यानी कि बहुवचन कवायद। अब देखिए ये कवायद लफ्ज़ जो है, ज़रा यहाँ पर रिलेट कीजिए तो उर्दू कवायद से। अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, उर्दू कवायद पढ़ रहे हैं ना। कवायद का मतलब क्या, ढेर सारे नियम, रूल, रेगुलेशन, ढेर सारे कानून को कहते हैं हम लोग कवायद। यानी कि उर्दू कवायद आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उर्दू भाषा को सीखने, पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए जो ढेर सारे नियम, रूल, रेगुलेशन, ढेर सारे कानून होते हैं, उसको पढ़ना ही उर्दू कवायद कहलाता है। उर्दू कवायद का मतलब क्या, उर्दू को पढ़ने, लिखने, बोलने, सीखने के लिए ढेर सारे रूल और रेगुलेशन, नियम और कानून को ही कहते हैं हम लोग उर्दू कवायद। कवायद को इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर, हिंदी में कहते हैं व्याकरण। आप उर्दू कवायद को उर्दू ग्रामर भी बोल सकते हैं, उर्दू व्याकरण भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश ग्रामर है तो इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए जो नियम और कानून होता है उसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर आप लोग पढ़ते हैं इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए। तो इंग्लिश ग्रामर को आप लोग इंग्लिश कवायद भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी व्याकरण है, हिंदी भाषा को सीखने के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ा जाता है, तो हिंदी व्याकरण को आप हिंदी ग्रामर भी बोल सकते हैं या फिर हिंदी कवायद भी बोल सकते हैं अगर उर्दू में बोलना चाहे तो। अब चलिए हम लोग वाहिद से बने हुए कुछ जमा लफ्ज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं आप लोग को बताई कि हिंदी में वाहिद से जमा यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाना आसान होता है, लेकिन उर्दू में तो वाहिद से जमा बनाने की कोई ट्रिक ही नहीं होती है। इसमें आप लोग को याद ही रखना पड़ेगा, और टेंथ और ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूँ तो जो लफ्ज़ इम्पॉर्टेंट है वाहिद से बने हुए, जितने भी लफ्ज़ हैं जो आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सभी लफ्ज़ मैं आप लोग को अब चलिए बोर्ड पर लिखकर और बता देती हूँ। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेने वाली तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप लोग लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। अब आइए हम लोग वाहिद से बने हुए कुछ जमा लफ्ज़ों को देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लंबा चौड़ा मैं वाहिद से बने हुए जमा लफ्ज़ों को लिख भी दी हूँ, जो कि आप लोग के टेंथ और ट्वेल्थ क्लास के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये सभी वाहिद से बने हुए जमा लफ्ज़ आप लोग के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं, सभी लफ्ज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है ये भी बता दे रही हूँ। कोई भी एक लफ्ज़ उठा लेगा, बोलेगा जैसे कि एक लफ्ज़ उठा लिए तस्वीर, तो तस्वीर का जमा क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया रहेगा,
तस्वीरें, बी में दिया रहेगा तस्वीरों, सी में दिया रहेगा तस्वीर, डी में दिया रहेगा तस्वूर। आप लोग को बताना है तस्वीर का जमा क्या होगा, आप लोग को पता रहेगा तभी तो बताएंगे ना कि हाँ इसका जमा ये होगा। इसीलिए मैं सभी इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ों को लिख दी हूँ, वाइट से बने जमा लफ्ज़ों को लिख दी हूँ, ताकि आप लोग के माइंड में एक झलक रहे, मतलब एक नज़र दौड़ा लेंगे तो आप लोग के माइंड में ये बात बैठी रहेगी कि हाँ इसका जमा ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, इतना तो आप लोग बता सकते हैं ना। जैसे कि देखिए, सबसे पहला लफ्ज़ है खबर। खबर, एक खबर आप लोग को मिली, यानी कि खबर क्या है, वाहिद है, एक वचन, लेकिन ढेर सारी खबरें आप लोग को मिलने लगी तो ढेर सारी खबरों को क्या बोलेंगे आप लोग। खबर का जमा यानी कि बहुवचन क्या होगा, तो अखबार होता है। अखबार का मतलब ढेर सारी खबरें, खबर वाहिद हो गया और खबर का जमा यानी कि बहुवचन अखबार। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि खबर की जमा क्या है, ऑप्शन ए में दिया रहेगा खबरों, बी में दिया रहेगा खबरें, सी में दिया रहेगा अखबार और डी में दिया रहेगा अखियार। तो कहीं ना कहीं से आप लोग अभी पढ़ लिए, आप लोग के माइंड में, आप लोग के दिमाग में ये बात बैठ गई कि खबर का खबरें तो होगा नहीं, खबरों भी नहीं होगा, अखबार होगा। तो आप लोग कहीं ना कहीं से अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ खबरें, खबरों तो होगा नहीं, अखबारों, इसी को टिक करो। तो इसी तरह जितने भी लफ्ज़ मैं लिखी हूँ वाहिद से जमा बने हुए लफ्ज़, तो इसको आप लोग एक नज़र दौड़ा लें ताकि सभी लफ्ज़ आप लोग के माइंड में फिट हो जाए, और कोई भी लफ्ज़ उठाकर उसका जमा पूछे ना तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकें कि हाँ इसका ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है और यही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए अगला शब्द है मुल्क। मुल्क का मतलब होता है देश यानी कि कंट्री, और मुल्क का जमा यानी कि बहुवचन होगा ममालिक। ममालिक का मतलब होता है ढेर सारे मुल्क, ढेर सारे देश। अब देखिए अगला लफ्ज़ है मलक। यहाँ पर मीम के ऊपर पेश जब रख रहे थे तो इसको मुल्क पढ़ रहे थे, मुल्क का मतलब देश, लेकिन अगर यहाँ पर मीम के ऊपर जबर रख रहे हैं तो ये पढ़ा जाएगा मलक, और इसका अर्थ भी चेंज हो जाएगा, मानी भी चेंज हो जाएगा। अब मलक का मानी होगा फरिश्ता। जबर जेर पेश के अंतर होने से मानी का जो है ना, वो मानी में भी अंतर आ जाता है, यानी कि अर्थ भी चेंज हो जाता है। देखिए मुल्क का मतलब होता रहा था देश, क्योंकि मीम के ऊपर पेश आप लोग पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही आप लोग ऐराब बदले यानी कि पेश को हटाकर जबर लगा दिए तो मलक पढ़ा जाने लगा, और मलक का अर्थ क्या हो गया, फरिश्ता, ठीक है ना। तो मलक का मतलब होता है फरिश्ता, और इसका जमा होगा मलाइक। मुल्क का ममालिक और जबर लगा दिए, मलक पढ़ा जाएगा तो इसका मतलब होता है मलाइक, इसका जमा यानी कि बहुवचन हो जाएगा मलाइक, और मलक का मतलब फरिश्ता, ठीक है। और अगर मीम के नीचे जेर लगा दिए तो ये पढ़ा जाएगा मिल्क, क्या पढ़ा जाएगा, मिल्क, और इसका जमा होगा अमलाक। याद रखिएगा, मीम के ऊपर पेश रख रहे हैं तो मुल्क, तो इसका जमा होगा ममालिक, मीम के ऊपर जबर रख रहे हैं तो मलाइक, मीम के नीचे जेर रख रहे हैं तो इसका जमा हो जाएगा इमलाक, ठीक। सिन्फ है, सिन्फ का मतलब आप बोल सकते हैं कैटेगरी, हिस्सा, ठीक है। सिन्फ वाहिद है लेकिन इसका जमा बहुवचन हो जाएगा असनाफ। मौका है, एक मौका मिला तो मौका वाहिद, लेकिन इसका जमा बहुवचन हो जाएगा मौके, यानी कि ढेर सारे मौके। गैर, गैर का जमा बहुवचन अगयार। हर्फ, एक हर्फ है, एक लेटर है, तो वो तो हो गया वाहिद यानी कि सिंगुलर। इसका बहुवचन यानी कि प्लूरल क्या होगा हर्फ का, तो हरूफ। हर्फ का बहुवचन होता है हरूफ। हरूफ का मतलब ढेर सारे हर्फ, ढेर सारे लेटर। लफ्ज़ है, लफ्ज़ का जमा यानी कि प्लूरल होगा अल्फाज, यानी कि लफ्ज़ का जो प्लूरल है अल्फाज। अल्फाज का मतलब होता है ढेर सारे लफ्ज़, ठीक है। तो अल्फाज हो गया जमा यानी कि प्लूरल, बहुवचन। रिसाला, रिसाला का जमा होगा रिसाइल। रिसाला मतलब होता है पत्रिका, और रिसाइल हो गया उसका जमा। ज़िद, ज़िद का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द। तो ज़िद का जमा यानी कि बहुवचन इज़दाद। मुतरादिफ है, मुतरादिफ का मतलब होता है एक समान अर्थ रखने वाला लफ्ज़। तो मुतरादिफ का जमा हो जाएगा मुतरादिफात। तारीख यानी कि डेट, इसका जमा हो जाएगा तवारीख। तस्वीर, इसका जमा हो जाएगा बहुवचन तस्वीर, ढेर सारे तस्वीर को तस्वीर आप लोग कहेंगे। सिफत मतलब होता है क्वालिटी, विशेषण, ठीक है, विशेषता को ही कहते हैं हम लोग सिफत। तो सिफत का जमा हो जाएगा सिफात, ठीक है। कसीदा का कसायद, कसीदा किसे कहते हैं, मैं आप लोग को बताई भी हूँ बहुत बार, 10th 12th में पढ़ाई थी तो शायद आप लोग जानते हुए हो, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। कसीदा का मतलब होता है किसी भी हुक्मरान वक्त, यानी कि किसी भी जो इंसान मतलब बहुत ज़्यादा उसके पास दौलत है, उसको इज़्ज़त मिल रही है, सरकार, या फिर किसी भी इंसान के तारीफ़ में नज़्म कह दी जाए, उसी को कहते हैं हम लोग कसीदा। मतलब किसी भी हुक्मरान वक्त या फिर बादशाह वक्त, बादशाह, प्रधानमंत्री, MP, DM वगैरह, मतलब कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके
पास ढेर सारे धन दौलत है और मतलब उसके बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है, तो उसकी तारीफ में अगर नज़्म कही जाए, कविता कही जाए, तो उसी को कहते हैं हम लोग कसीदा। और कसीदा इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम तारीफ़ करके जिसकी तारीफ़ कर रहे हैं उससे कुछ हासिल कर सकें, कुछ मांग सकें, जो भी हमें चीज़ चाहिए, खाना पीना वगैरह या फिर जो भी चाहिए वो मांग सकें। ठीक है, कसीदा का जमा यानी कि बहुवचन होता है कसायद। ठीक है, अगला लफ्ज़ है कानून। कानून का जमा यानी कि बहुवचन होगा कवानीन। कवानीन मतलब क्या, ढेर सारे कानून को कहते हैं कवानीन। तोहफा, तोहफा का जमा हो जाएगा तहाइफ, यानी कि ढेर सारे तोहफे को कहेंगे तहाइफ। जौहर है तो जौहर का जमा हो जाएगा बहुवचन जवाहर। उस्ताद यानी कि टीचर, टीचर का जमा, ढेर सारे टीचर को क्या बोलेंगे, ढेर सारे उस्ताद को असाध्या। बहुत जगह आप लोग लिखा हुआ देखेंगे असाध्या लिखा जाता है। ठीक है, असाध्या का मतलब क्या, ढेर सारे उस्ताद। असाध्या क्या है, उस्ताद का जमा यानि कि बहुवचन है। ख़त का बहुवचन यानि कि जमा हो जाएगा खतूत। मर्ज का अमराज, गर्ज का अगराज, वक्त का औकात, फेल का अफ़आल। फेल मतलब होता है क्रिया, काम और अफ़आल, इसका जमा हो गया। क़ता, क़ता का क़तआत, हद का हदूद। तो ये कुछ अल्फाज थे, अल्फाज का मतलब क्या, ढेर सारे लफ्ज़। तो ये कुछ अल्फाज थे जिसका मैं वाहिद से जमा बनाकर आप लोगों को बता दी। आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट में लिखकर पूछ लीजिएगा, हो सकेगा तो मैं अगले वीडियो में उस कंफ्यूजन को क्लियर कर दूँ। ठीक है, बाकी जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई, समझ में आए तो कमेंट में लिखकर बताएं कि हाँ चीज़ें समझ में आ गई है, और वीडियो को लाइक कर दें फटाफट। आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो पहले ही क्लास में आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो बाउंस करने लगेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और ये कुछ ही मैं लफ्ज़ों को बताई। अगर आप लोग के पास बुक होगा उर्दू का तो वाहिद से जमा लफ्ज़ों को देखते रहिएगा, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं होता है वाहिद से जमा बनाने का, आप लोगों को याद ही करना होगा। ठीक है, वैसे तो इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दी, और आगे की क्लास में मैं आप लोगों को वाहिद से जमा लफ्ज़ों को बताते रहूँगी। ऐसा नहीं कि इतना ही मैं आप लोगों को बताऊँगी, जो इंपॉर्टेंट है लफ्ज़, वाहिद से जमा बने हुए लफ्ज़, वो मैं आप लोग को बताते रहूँगी। आगे के टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, आज ही एक ही वीडियो में सब कुछ थोड़ा पढ़ लेना है। ठीक है, अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगले टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट। तो अभी तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए ना, तो फटाफट शेयर कर दें अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सके अपने रिश्तेदारों के पास, चारों तरफ शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।